हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्वीट है और बहुत ही रॉयल है। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के साथ शाही टुकड़ा। जी हाँ, तो चलिए मिलके बनाते हैं शाही टुकड़ा। ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। ब्रेड को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में लिया है एक कटोरी देसी घी। जी हाँ, ये मिठाई है और घी में ये बहुत अच्छा स्वाद देगी। अदरवाइज आप इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। और ये लिए हैं मैंने कुछ ब्राउन ब्रेड के टुकड़े। आप अपने आकार के, अपने पसंद के टुकड़े काट सकते हैं। मैंने इन्हें एक में दो किया है बस, और आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से एक एक करके सारे टुकड़ों को हम तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। गोल्डन फ्राई करना है इन्हें, और ये बहुत जल्दी जल्दी फ्राई हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी बेक्ड है, तो ज़्यादा समय नहीं लेता ये। तो देख रहे हैं आप कितना बढ़िया कलर आया है इसका। और इसी तरीके से मैंने अपने सारे ब्रेड के टुकड़ों को फ्राई कर लिया था। तो जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से मैंने अपने सारे ब्रेड के टुकड़ों को गोल्डन फ्राई कर लिया था। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी रबड़ी कहाँ। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रबड़ी बनाने में अच्छा खासा समय लग जाता है, बस इसे फ्रिक्वेंटली चलाते रहेंगे ताकि हमारा दूध बह न जाए। और इसे मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे, धीरे धीरे इसे पकने देते हैं जब तक हमारी रबड़ी बन के तैयार हो रही है। तो चलिए हम अपने चाशनी को बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन में लगभग 100 ग्राम शक्कर ले लिया है, और तकरीबन समान मात्रा में मैंने पानी भी डाल लिया है। जी हाँ, ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसे ज़्यादा समय पकाना पड़ेगा। तो जी हाँ, चाशनी बनने में भी कुछ खास समय नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में ये चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। हमें बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, हमें एक तार दो तार इसमें नहीं देखना है, बस हमें इतना गाढ़ा बनाना है ताकि हमारा जो ब्रेड है वो इसमें अच्छी तरीके से कोट हो जाए। देखिए, हमारी चाशनी जितनी की हमें ज़रूरत है उतनी गाढ़ी हो चुकी है, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे। हमारी चाशनी लगभग बन के तैयार हो गई है। और रबड़ी भी तकरीबन आधी हो चुकी है, लेकिन अभी इसे और पकाना बाकी है। अब चाहें तो इसी प्रोसीजर के दौरान इसमें इलायची पाउडर या कुछ पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और या फिर गाढ़ी होने का इंतज़ार कर सकते हैं। पूरे प्रोसीजर के दौरान ना ब्रेड फ्राई करने में समय जाता है, ना चाशनी बनाने में समय जाती है, जो समय जाता है वो है रबड़ी बनाने में। और आपको बताइए कि रबड़ी बनाने में अच्छा खासा समय चला जाता है।
हमारी रबड़ी जो है वो लगभग तैयार होगी। मैं इसे यहीं बंद कर दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, क्योंकि बंद करने के बाद भी ये पकता रहेगा बर्तन गर्म होने की वजह से। जब तक ये ठंडा हो रहा है, चलिए हम अपने ब्रेडों को कोट कर लेते हैं, चाशनी में डुबा लेते हैं। इन्हें एक एक करके अच्छे तरीके से उलट पलट कर चाशनी में डुबा लेते हैं, ताकि इसकी मिठास जो है वो ब्रेड के अंदर तक चली जाए। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं एक एक करके मैंने अपने सारे ब्रेड के टुकड़ों को कोट कर लिया है। अब बारी आती है इस पर रबड़ी फैलाने की। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मेरी रबड़ी कितनी गाढ़ी हो चुकी है, कितनी लच्छेदार है। अब धीरे धीरे करके अपने सारे ब्रेड के टुकड़ों पर इसे स्प्रेड कर दीजिए। वाह, कितना डिलीशियस लग रहा है। अगर आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा खाने में। तो चलिए अब अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर लेते हैं। थोड़े से काजू, पिस्ता और बादाम से बढ़िया से सजाइए, क्योंकि इसका नाम ही है शाही टुकड़ा, तो ये लगना भी चाहिए शाही। और जी हाँ, ये सिर्फ नाम से शाही नहीं है, खाने में भी बहुत शाही है। आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा फाइनल रिजल्ट। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मुंह में मेरे शाही टुकड़े को देखकर जरा सा भी पानी आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।